बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक बहुत अहम बात मैं करने जा रहा हूँ। मैं आज जा रहा था पेशावर, और चूंकि मेरी अपनी गाड़ी थोड़ा सा बिजी थी तो इसलिए मैं आ रहा था लोकल के अंदर। और चूंकि इट इज़ नियर टू वोटिंग्स, यहाँ पर पूरा एक सिचुएशन खड़ी हुई। मैं देख रहा था कि जो नॉर्मली 550 के अंदर या जो नॉर्मली जो 700 ऐसे किस्म की प्राइसेस के अंदर जो टिकट्स हैं वो 1000 से आगे की बिक रही हैं। अब इससे क्या मुराद है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं, बट ये इस तरह फ़ायदा उठाना ऑफ अ ब्लैंड मोमेंट ऑफ ब्लैंड अपॉर्चुनिटी, सिंपल अल्फाज में बस फ़ायदा उठाना ही हो गया। क्योंकि आप फ़ायदा उठा रहे हैं दैट चलो लोगों की बेबसी है, उन्हें कोई ना कोई तरीका चाहिए जाने का, दे नीड अ वे, दे नीड अ पाथ, तो आप वो फ़ायदा उठाते हैं लोगों का, जिसको मैं सही नहीं समझता, जिसको मैं गलत समझता हूँ। अगर मैं गलत समझता हूँ इसके पीछे एक वजह, अब मुझे इसका नहीं पता कि ये क्या इन लोगों ने लॉजिक लगाया है कि वोटिंग्स हैं तो ज़्यादा पैसे लेंगे हम लोग, पर जो भी लॉजिक है गलत है और इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए, बात करनी चाहिए और इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्लान किया जाना चाहिए। और बस ये मेरी एक रिक्वेस्ट है लोगों से कि देखिए आप इसका फ़ायदा ना उठाएं, लोगों की मजबूरी का, लोगों की एक रुकने का और लोगों की रुकावटों का, तो आप इस तरह फ़ायदा ना उठाएं। और साथ ही साथ दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड